क्या नेपाल में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप की वजह से सिक्किम में आपदा तो नहीं आई? देश के वैज्ञानिक इन दोनों घटनाओं के आपसी संबंध का पता करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये पता करना चाहते हैं कि कहीं नेपाल के भूकंप की वजह से चुंगथांग के ऊपर मौजूद साउथ लोनक ग्लेशियर लेक की दीवारें कमजोर तो नहीं हो गई थी। झील के टूटने से निकले पानी के तेज बहाव की वजह से चुंगथांग डैम टूट गया। ये 1200 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तस्वीरें तो भयावह खुलासे करती है, जिसमें दिखाया गया है कि साउथ लोनक लेक का पूरा क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर कम हो गया है, जबकि 17 सितंबर 2023 को ऐसा नहीं था। इससे पता चलता है कि झील टूटी और उससे तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। दर्जनों जवानों समेत सैकड़ों लोग लापता हो गए। साउथ लोनक झील पहले से ही टूटने की कगार पर थी। वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले यानी साल 2021 में ही इस लेक के टूटने की आशंका जाहिर की थी। ये झील करीब 168 हेक्टेयर इलाके में फैली थी, जिसमें से 100 हेक्टेयर का इलाका टूटकर खत्म हो गया, यानी इतने बड़े इलाके में जमी बर्फ और पानी बहकर नीचे की ओर आया। ये जानकारी केंद्रीय जल आयोग ने दी। फिलहाल वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी एकदम से नेपाल के भूकंप और सिक्किम के ग्लॉग यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसके संबंधों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अगर आप इसरो द्वारा जारी तस्वीरों को देखिए तो आपको पता चलेगा इसरो ने 3 सैटेलाइट फोटो का कॉम्बो जारी किया है। आप तस्वीर को बाईं तरफ से देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है अंतर। पहले हिस्से में दिख रहा है कि 17 सितंबर 2023 को झील करीब 162.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल की थी, 28 सितंबर 2023 को बढ़कर 167.4 हेक्टेयर इलाके में फैल गई, 4 अक्टूबर को इसका क्षेत्रफल सिर्फ 60.3% ही बचा। झील का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें इसरो के रिसेट आईए RISAT-1A और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सेंटिनल 1A सैटेलाइट से ली गई हैं। साउथ लोनक ग्लेशियर लेक उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के चुंगथांग के ऊपर 17,100 फीट की ऊंचाई पर है। इस झील की गहराई करीब 260 फीट है। ये करीब 2 किलोमीटर लंबी और 0.5 किलोमीटर चौड़ी है। 3 से 4 अक्टूबर के बीच की रात झील की दीवारें टूटी, ऊपर जमा पानी तेजी से नीचे बहती तीस्ता नदी में आया। इसकी वजह से मंगल, गैंगटोक, पाक्योंग और नामची जिलों में भयानक तबाही हुई है। चुंगथांग NHPC डैम और ब्रिज बह गए हैं। मिंचीथांग में 2 ब्रिज, जेमा में 1 और रिचू में 1 ब्रिज बह गया है। सिक्किम के राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने बताया कि पानी का बहाव 15 मीटर प्रति सेकंड था, यानी 54 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 17,000 फीट की ऊंचाई से पानी इस गति से नीचे आता है तो ये भयानक तबाही के लिए पर्याप्त है। इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं और इस फ्लैश फ्लड ने कई जगहों पर सड़कों को खत्म कर दिया। पूरी सड़कें अपने साथ बहा ले गई, कम्युनिकेशन लाइन्स टूट गई। क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीस्ता नदी में आई फ्लैश फ्लड भयानक थी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना, इसलिए ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा आई है। जानकारों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी बरसा है। ये झील चुंगथांग के ऊपर 17,100 फीट की ऊंचाई पर है। जैसा मैंने आपको बताया, ये झील लोनक ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बनी थी। झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था, इसमें नॉर्थ लोनक ग्लेशियर और मुख्य लोनक ग्लेशियर पिघलने से पानी आ रहा था। जैसा आपको पहले भी रिपोर्ट में हमने बताया कि 2021 में ही साइंस डायरेक्ट में एक स्टडी छपी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर ग्लोफ होता है तो ये झील भारी तबाही मचा सकती है। इसकी वजह से जानमाल और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है, जैसा कि हुआ है। साल 2013 में उत्तराखंड का चोराबारी ग्लेशियर लेक भी इसी तरह टूटा था। इसके ऊपर भी बादल फटा था, जिसकी वजह से केदारनाथ की आपदा आपको याद होगी, वो उसी वजह से आई थी। 10 साल बाद फिर वैसी ही घटना हिमालय में देखने को मिली है। इसके अलावा 2014 में झेलम नदी में फ्लैश फ्लड आने की वजह से कश्मीर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए थे। 2005 में हिमाचल प्रदेश परेचू नदी में फ्लैश फ्लड से तबाही मची थी। केदारनाथ हादसा साल 2004 में आई सुनामी के बाद सबसे बड़ा हादसा था। वजह थी चोराबारी ग्लेशियर का पिघलना और मंदाकिनी नदी द्वारा अन्य जल स्रोतों को ब्लॉक करना। केदारनाथ आपदा में 6,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। फरवरी 2021 में चमोली जिले के ऋषि गंगा, धुली गंगा और अलकनंदा नदियों में भी ऐसा ही फ्लैश फ्लड आया था। संसद की स्टैंडिंग कमेटी जांच पड़ताल कर रही है कि देश में ग्लेशियरों का प्रबंधन कैसे हो रहा है। अचानक से बाढ़ लाने वाले ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को लेकर क्या तैयारियां हैं, खासतौर से हिमालय के इलाकों में। ये रिपोर्ट 29 मार्च 2023 को लोकसभा में पेश की गई। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ग्लेशियरों के पिघलने की स्टडी कर रहा है। लगातार ग्लेशियरों पर नजर रखी जा रही है। 9 बड़े ग्लेशियर्स का अध्ययन हो रहा है, जबकि 76 ग्लेशियर्स के बढ़ने या घटने पर नजर रखी जा रही है। अलग अलग इलाकों में ग्लेशियर्स तेजी से विभिन्न दरों से पिघल रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं। सरकार ने माना है कि ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के बहाव में अंतर तो आएगा ही,
साथ ही कई तरह की आपदाएं आएंगी, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसको ग्लोव कहते हैं, ग्लेशियर एवलॉन्च, हिमस्खलन आदि, जैसे केदारनाथ और चमोली में हुए हादसे थे। इसकी वजह से नदियां और ग्लेशियर अगर हिमालय से खत्म हो गए तो पहाड़ों पर पेड़ों की नस्लों और फैलाव पर असर पड़ेगा, साथ ही उन पौधों का व्यवहार बदलेगा जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय पर कोल्ड डेज कैसे घटते जा रहे हैं ये भी रिपोर्ट में बताया गया है, और बताया गया है कि हिमालय का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कोल्ड डेज और कोल्ड नाइट्स की गणना के लिए जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 16 स्टेशन है। लगातार गर्म दिन बढ़ रहे हैं जबकि ठंडे दिन कम होते जा रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में ठंडे दिनों में 2% से 6% की कमी आई है। किसी भी ग्लेशियर के पिघलने के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, कम बर्फबारी, बढ़ता तापमान, लगातार बारिश आदि। गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, ग्लेशियर किसी न किसी छोर से तो पिघलेगा ही। अगर लगातार बारिश होती है तो ग्लेशियर पिघलता है। डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव तेज़ हो गया था। बारिश में हिमालयी इलाकों की स्टेबिलिटी कम रहती है, ग्लेशियर पिघलने की दर बढ़ जाती है। फिलहाल 2 दर्जन ग्लेशियरों पर वैज्ञानिक नज़र रख पा रहे हैं। इनमें गंगोत्री, चोराबारी, दूनागिरी, डोकरियानी और पिंडारी मुख्य हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने हिमालय के 14,798 ग्लेशियर्स की स्टडी की है। उन्होंने बताया कि छोटे हिमयुग यानी 400 से 700 साल पहले हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने की दर बहुत कम थी। पिछले कुछ दशकों में ये 10 गुना ज़्यादा गति से पिघले हैं। स्टडी में बताया गया है कि हिमालय के इन ग्लेशियर्स ने अपना 40% हिस्सा खो दिया है। ये 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 19,600 वर्ग किलोमीटर पर आ गए हैं। इस दौरान इन ग्लेशियर्स ने 390 क्यूबिक किलोमीटर से 590 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ खोई है। इनके पिघलने से जो पानी निकला उससे समुद्री जलस्तर में 0.92 से 1.38 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यानी जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कहते हैं, या आप इनकी चर्चाएं सुनते हैं, इनको सुनकर कई बार अनसुना भी करते होंगे और सोचते होंगे क्या होता है, ये होता है। और सोचिए कि इसी तेज़ी से अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते रहे और इसी तरह से झीलें टूटती रहीं, या पानी का बहाव बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता रहा, दिन कम ठंडे हुए, रातें कम ठंडी हुई, तो क्या होगा। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है और भारत इसको लेकर चिंतित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को उठाता रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज़्यादा बारिश होना, लेकिन मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है ये कहीं ना कहीं इंसान इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। इन सारी चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुदरत बचेगी तभी इंसान बचेगा।